Now, question says, a load of 10 kilogram is suspended by a metal wire 3 meter long and having cross sectional area 4 millimeter square. Find, हमें बताना है स्ट्रेस क्या होएगा, स्ट्रेन क्या होएगा, elongation क्या होएगा. यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटल हमें दिया हुआ 2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ ये सिनेरियो है अपना कि अपनी रूफ और यहाँ पे हमने एक वायर बांधी हुई है, ठीक, और ये आपने यहाँ पे उसके ऊपर 10 किलोग्राम का मास यहाँ लटकाया हुआ है. नाउ जब हम NLM पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, वर्क पर एनर्जी, वी नेवर केयर्ड अबाउट दिस वायर, बट इलास्टिसिटी के चैप्टर में हम इस वायर के ऊपर और डिटेल में बात कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि वायर के ऊपर जो आपने ये वजन लटकाया है उसकी वजह से स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेन कितना आएगा, एलोंगेशन कितना आएगा इस वजन के लटकाने की वजह से. वी वॉन्ट टू फाइंड दैट आउट, ठीक है. तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर फोर्स देखेंगे तो इस जगह पे जो आपका नीचे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपका mg फोर्स है. तो जो स्ट्रेस होएगा आपका स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल टू आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. सो फोर्स यहाँ पे हो जाएगा अपना mg यानी कि 10g और एरिया है वो अपने को 4 mm² दिया हुआ, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶. अब ये SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया है. जी की वैल्यू अगर हम यहाँ 10 ले लेंगे तो ये हो गया आपका 100 × 4 × 10⁶. नाउ 100 × 4 जो है इसकी वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी. सो स्ट्रेस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 2.5 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. नाउ सेकेंड पार्ट हमें बताना है स्ट्रेन कितना आएगा. तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल होता है. नाउ स्ट्रेन पता करने के लिए क्योंकि हमें यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू नहीं दी हुई है तो यहाँ पे हम स्ट्रेन को यूज़ करेंगे रिलेशन. जैसे हम लिखते हैं यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. तो दिस इम्प्लाइज इसको हम यूज़ करके कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेन जो है दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस. नाउ स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू अपने को यहाँ पता चल चुकी है. सो ये आपके आगे 2.5 × 10⁷ डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस अपने को दिया हुआ है 2 × 10⁻¹. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 / 2 यानी कि 1.25 × 10⁻⁴ या आपका स्ट्रेन हो जाएगा. नाउ स्ट्रेन हमेशा यूनिटलेस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है. तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं आएगी. हमें लास्ट चीज़ बतानी है एलोंगेशन कितना होगा, तो उसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे. उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. सो एल जो है वो लेंथ अपने को दी हुई है 3 मीटर लॉन्ग, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 × स्ट्रेन जो आया, स्ट्रेन की वैल्यू आई, तो ये आ गया आपका 1.25 × 10⁻⁴. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 3.75 × 10⁻⁴. ये आपका मीटर में आ गया. इसी को अगर मिलीमीटर में लिखना होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.375 मिलीमीटर. तो 10 किलोग्राम का वजन आपने इस रस्सी पर लटकाया है, इस वायर पे, तो आपका 0.375 मिलीमीटर का एक्सटेंशन इस वायर में आ जाएगा. सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर.